हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब सब। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं मैं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर आप देख सकते हैं ssmcreva.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सो फ्रेंड्स, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा की तरफ से जो है NHM के थ्रू आपसे स्टाफ नर्स, सोशल वर्कर और ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए आपसे आवेदन आमंत्रित किए गए थे जनवरी माह में, यानी कि इसमें जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उस समय, तो उसी के संबंध में यह एक नोटिफिकेशन और जारी कर दी गई है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा की तरफ से, जो कि स्टाफ नर्स और सोशल वर्कर और ऑडियोलॉजिस्ट के पोस्ट के लिए है। क्या है पूरी नोटिफिकेशन, पहले हम यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं क्या आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिगार्डिंग NHM प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, रेफरेंस नंबर जो एडवर्टीजमेंट नंबर 2843, डेटेड 30/1/2021, डेटेड 23/8/2021, यानी कि आपका NHM के थ्रू जो आपका स्टाफ नर्स, सोशल वर्कर और ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर ये दिया गया और कब जारी की गई थी विज्ञप्ति, 30/1/2021, यानी 30 जनवरी 2021 को ये विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके संबंध में एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया NHM की तरफ से, जो प्रोविजनल लिस्ट इसकी जारी कर दी गई। इसमें जो कैंडिडेट्स थे इनका इंटरव्यू हो चुका है और इसकी प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है, और कब जारी की गई, 23/8/2021 को। तो इस वीडियो में हम आपको इस पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर करेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपसे छूटने न पाए। तो यहाँ से हम इस लिंक को ओपन करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ से ये लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर इसका विज्ञापन संख्या दिया गया है और कब जारी की, 23/8/2021 को जारी की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस दी गई है, कार्यालय विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर दी गई है और दिनांक 30/1/2021 द्वारा NHM अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में अनुमोदित संविदा के पदों पर दिनांक 9/8 से 13/8/2021 तक आयोजित साक्षात्कार उपरांत निम्नलिखित पदों हेतु प्रावधिक मेरिट सूची जारी की जाती है। यानी कि जो ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें NHM के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु जो है संविदा के पदों पर यहाँ पर आपका दिनांक 9/8/2021 से लेकर 13/8/2021 के बीच में जो इंटरव्यू हुए थे, साक्षात्कार हुए थे, उसके बाद यहाँ पर एक प्राविधिक सूची, मेरिट सूची जारी कर दी गई, यानी कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो जिसके अंतर्गत यहाँ पर कौन कौन से पद हैं, स्टाफ नर्स हेतु, सोशल वर्कर और आर्डियोलॉजिस्ट के पद हेतु यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है, मेरिट सूची जारी कर दी गई है। और यहाँ पर जो नोट में दिया गया है आज इसको देख सकते हैं, संलग्न सूची में उल्लिखित श्रेणी योग्यता अर्हता परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत, अर्हता परीक्षा में प्रयास की संख्या, COVID-19 में कार्यरत प्रदेय अधिभार अंक में दावा आपत्ति है अगर उसमें कोई, तो महाविद्यालय की ईमेल आईडी ssmc-reva@mp.gov.in पर दिनांक 25/8, यानी कि आज की डेट में रात के 12 तक आप इसको, किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो अप्लाई, मतलब आप ईमेल कर सकते हैं इनकी ईमेल पर, मतलब आप जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया साक्षात्कार के अंकों पर दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा, साक्षात्कार में जो अंक मिले हैं उस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, और आज की डेट के बाद यानी कि 25/8/2021 के बाद किसी प्रकार की आपत्ति अगर के लिए आप करते हैं तो उस पर चयन सूची तैयार की जाएगी और वो जो है फाइनल लिस्ट होगी। तो अभी फाइनल लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं की, ये प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। फाइनल लिस्ट जो जारी होगी आपकी वो है निर्धारित तिथि के उपरांत, यानी 25/8, यानी कि आज के रात 12 बजे के बाद जितने भी आपत्ति आएंगे उसके बाद ही वो फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, उनके निराकरण के पश्चात यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं निर्धारित तिथि के उपरांत दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात चयन सूची तैयार की जाएगी, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट जो आएगी आपकी, फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी, फाइनल जो आएगा वो अभी इस बाद में आएगा जब ये दावत और आपत्ति के निराकरण हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसके बाद आपको जो लिस्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड उनकी यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा MP, यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स अंडर NHM। तो ये स्टाफ नर्स की पोस्ट पे जिनको प्रोविजनली सिलेक्ट किया गया उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया, फिर कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट के फादर या हस्बैंड का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फिर कैटेगरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, BSc JNM जो भी है वो क्वालिफिकेशन क्या है, मार्क्स ऑब्टेन इन BSc JNM नर्सिंग
तो बीएससी या जेएनएम में जो मार्क्स आपको मिले हैं वो कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहा है, उसका पूर्णांक जो रहा है, परसेंटेज ऑब्टेन इन बीएससी नर्सिंग और जेएनएम, तो जेएनएम और बीएससी नर्सिंग में कितने परसेंटेज आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, एडिशनल अटेम्प्ट जो दिए गए हैं इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, और यहाँ पर फिर है मार्क्स आउट ऑफ 80 और एज पर जो है 75% आप जेएनएम है, 80% आप बीएससी, 80 में से आपको कितने मार्क्स यहाँ मिले वो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू के जो 20 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले यहाँ पर दिया गया है, टोटल आउट ऑफ 100 आपको कितने मार्क्स मिले हैं, फिर 10% जो टोटल आपको जो आपका कोविड से रिलेटेड था उसमें आपको कितने मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, और फिर यहाँ पर आपका ग्रैंड टोटल दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर है इस प्रोविजनल लिस्ट में जिनका इंटरव्यू हो चुका था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9/8/2021 से 13/8/2021 के बीच इन लोगों का इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ये प्राविधिक सूची तय की गई प्रोविजनल लिस्ट। तो इसमें से जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ये अपना नाम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है स्टाफ नर्स की, स्टाफ नर्स में टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी स्टाफ नर्स की लिस्ट है, टोटल यहाँ पर आप कितने पद कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से सोशल वर्कर का स्टार्ट है, टोटल 99 कैंडिडेट्स जो है स्टाफ नर्स पद हेतु प्रोविजनली सिलेक्ट किए गए हैं, स्टाफ नर्स पद हेतु टोटल 99 स्टूडेंट प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई मेरिट लिस्ट फॉर प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल वर्कर, तो ये सोशल वर्कर के पोस्ट पे जो प्रोविजनली सिलेक्ट कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर दिया गया है, कैंडिडेट का नाम वगैरह, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स में से कितने आपको मिले हैं, इंटरव्यू के मार्क्स और टोटल आउट ऑफ 100 कितना आपको मिला है। तो जो भी सोशल वर्कर के पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे और जिन्होंने इंटरव्यू था दिया था वो कैंडिडेट यहाँ पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो है टोटल सोशल वर्कर की पोस्ट के लिए 8 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया, टोटल 8 कैंडिडेट्स यानी 8 स्टूडेंट कैंडिडेट्स को यहाँ पर सोशल वर्कर पद हेतु प्रोविजनली सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट लिस्ट है यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो दी गई है प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट अंडर NHM, ये ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए जिन्होंने आवेदन किया था और इंटरव्यू दिया था 9/8/13 के बीच में, तो उसमें से केवल 2 कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, 2 कैंडिडेट को यहाँ पर प्रोविजनली सेलेक्ट किया गया है, टोटल यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स हैं ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए। और यहाँ पर सेम फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, क्वालिफिकेशन क्या है, आउट ऑफ 80 मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले हैं, इंटरव्यू के मार्क्स और टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100 में से कितने मिले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको कवर कर दी गई है, तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।